मित्रों जैसे हम मित्रों आइए आज बात करते हैं कि वह कौन सी पांच चीज़ें हैं जिन्हें हम पानी में मिलाकर स्नान कर सकते हैं और इन पांच चीज़ों को कब कब मिलाएं पानी में इन पांच चीज़ों को मिलाने से क्या लाभ होगा और किस तरह हम अपने किस्मत को अपने वक्त को अपने समय को सुधार सकते हैं किस तरह हम ग्रहजनित पीड़ा को ख़त्म कर सकते हैं हम क्या करें कि हमारा तन मन पवित्र रहे या हम ऐसी कौन सी वस्तु से स्नान करें जिससे हमें ईश्वरीय कृपा प्राप्त हो तो आइए आज इन सब विषयों पर चर्चा करते हैं नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में मित्रों सबसे पहले हम बात करेंगे चंदन की मित्रों चंदन स्नान के पानी में अवश्य मिलाएं आपको करना क्या है कि रात्रि में किसी कटोरी में चंदन घोल कर रख दीजिए रात भर उसे रहने दीजिए सुबह एक बाल्टी पानी में उस चंदन के घोल को मिला लीजिए और उस जल से चंदन मिश्रित जल से स्नान कीजिए इससे क्या होगा कि आपके मन में आपके शरीर में पवित्रता बनी रहेगी आपका दुर्भाग्य खत्म होगा आपको बहुत अत्यधिक प्रसन्नता मिलेगी आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे इसके अलावा मित्रों तो बात करते हैं हल्दी की हल्दी आपको पता है बहुत गुणकारी है कई बीमारियों में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं आइए आज आपको इसका नया इस्तेमाल बताते हैं मित्रों स्नान के पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाएं। प्रतिदिन आप इससे स्नान करें इससे आपको ग्रहजनित सारे कष्ट खत्म होंगे खास करके बृहस्पति जनित कष्ट खत्म होंगे आपका सौभाग्य बढ़ेगा और आपके दुर्दिन दिन दूर होंगे इसके अलावा मित्रों आई तीसरी चीज़ जिससे हमें स्नान करना चाहिए वो है कपूर मित्रों कपूर की दो तीन टिकिया स्नान के पानी में डाल दीजिए स्नान से पहले और उससे स्नान कीजिए आपकी आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा और आपके घर का भी वातावरण अच्छा होने लगेगा घर में कलह का नाश हो जाएगा इसके अलावा मित्रों गंगा जल की बात करते हैं यदि हम गंगा जल को पानी में डालकर स्नान करते हैं तो कहने की आवश्यकता नहीं ईश्वरीय कृपा अवश्य प्राप्त होगी क्योंकि आपको पता है गंगा जल में ईश्वर का वास होता है और हम गंगा जल का स्मरण करके यदि गंगा जल को जल में मिलाकर स्नान करें तो हमें गंगा स्नान का लाभ होता है इसके अलावा मित्रों बात करेंगे नमक की यदि हम स्नान के पानी में एक चुटकी नमक डालकर स्नान करते हैं तो हमारे शरीर से हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा का ह्रास होता है नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है मित्रों यदि घर में कोई भी व्यक्ति किसी भी नज़र दोष जादू टोना टोने टोट के भूत प्रेत इत्यादि से ग्रसित है तो आप उसके स्नान के पानी में एक चुटकी नमक अवश्य मिलाएं यदि वह 21 दिन नमक के पानी से स्नान करता है तो उसके यह सारे दुख या सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे तो आशा करता हूँ आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और अपने लिए लाभ अर्जित करेंगे जय श्या